वाइब्रेटिंग टेबल हो गया। अच्छा ठीक है, इसमें जिस टाइप का डाई आप यूज करेंगे उस टाइप का डाई आपको, क्यों मेरे यहाँ तो गर्दा माटी पड़ा हुआ रहता है वो, क्योंकि हमारा कोई शोरूम नहीं है, हम कोई डीलर नहीं है, मैन्युफैक्चरर है, तो हमारे यहाँ मशीन चमक उसी समय मिलेगी जिस समय जाएगी। अच्छा बिल्कुल, ये सब डाई है देख रहे हैं, ये सब डाई है, जिस टाइप का जिग जैग है, टाइल्स है, जैसा डाई आप लगाएंगे उस टाइप का आपको शेप बना के देगी। तो ये डाई भी आप अवेलेबल कराएंगे? बिल्कुल, मुजफ्फरपुर में भैया फैक्ट्री है डाई की। अच्छा, हम कोई भी कस्टमर को जो है डायरेक्ट फैक्ट्री में बेचते हैं, ना कि किसी डीलर के यहाँ बेचते हैं। यह आपको जो देख रहे हैं यह कलर मिक्सचर है आपका, इसमें कलर मिलाएगी, आप थोड़ा सा सामने दिखा दीजिए। इधर देख रहे हैं चार पांच कंक्रीट मिक्सचर रखा हुआ है दूरी से, हम दूसरी मशीन पे चल रहे हैं, नज़दीक दिखाएंगे, क्योंकि स्टॉक हम बोले ना कि जब भी चाहिए आपको पूरी गाड़ी में लोड कर दूंगा। अगर मेरे पास स्टॉक नहीं है तो एक से दो दिन का समय चाहिए। ये सब कंक्रीट मिक्सचर बन के रेडी है, फाइनल है। यहाँ भी देख रहे हैं सामने कंक्रीट मिक्सचर है, थोड़ा गर्दा माटी पड़ा हुआ है, जाते समय फिनिशिंग हो जाएगा, जगह की कमी है थोड़ी सी, ओस भी पड़ती है और गर्दा भी पड़ती है इस पर, तो जाने से पहले इसको हम फाइनल करके फिर से रंग पेंट करके देते हैं। अच्छा सर, एक बार चला के बिल्कुल। हेलो सर, बहुत एक शानदार बिजनेस आइडिया है ये, इसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए अभी भरा हुआ था मशीन, चलते चलते जो भी प्रोडक्ट है ओरिजिनल शेप में आ गया। बिल्कुल, यहाँ आ गया, इसको हम आसानी से उठा के हटा देंगे। अच्छा, ये अपने आप आ रहा है सर, बहुत अच्छा। तो सर इसका क्या प्रोडक्शन है एक दिन का? पर डे का वही 2500 से 3000 है। 2500 से 3000 एक दिन का? हाँ, इस पे तो जितना ज़्यादा मोल्ड रखेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। अच्छा, तो सर मान लीजिए ये मशीन कोई लेना चाहता हो तो कितना पैसा लगा के ये बिजनेस शुरू कर सकता है आपके साथ? इसमें अलग अलग तरीके का है, लेकिन नॉर्मली मान लीजिए कि 2 लाख के आसपास यह सेटअप हो जाती है। अच्छा, हल्की लेंगे तो आपको 180 का भी आ जाएगा। अच्छा, नॉर्मल लेंगे 2 लाख के आसपास आ जाएगा, भारी लेंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से इसका होता है। आपका सर कहना है कि ये मशीन कोई लगाता है या ये बिजनेस शुरू करता है तो इस पे लोन भी मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल, देखिए आपके अंदर करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना है और सही बिजनेस करना है तो किसी का मजाल नहीं है कि लोन नहीं दे, कोई ऐसा बैंक कर्मी नहीं है कि लोन नहीं दे, बस आपके पास पेपर डॉक्यूमेंट जो है वह सही होना चाहिए और रियल में आपको बिजनेस करना है तो। हाँ, लोन उसी को नहीं मिलता है जो कि पैसे लेके खा जाना है। मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू कर कितना पैसा कमा सकता है? देखिए जब आप मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो आपको एवरेज 20% से 25% की मार्जिन में आपको रहना है। अच्छा, हाँ, कोई अगर कहता है 30% 40% तो ऐसा नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग आपको 20% का अप्रॉक्स आती है। अच्छा, बेनिफिट क्योंकि आपको जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको सेल पे ध्यान देना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए, ना कि आपको मार्जिन पे ध्यान देना है। मार्जिन थोड़ा लो रखेंगे, सेल ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिक आप थोड़ा सा ज़्यादा कमा लेंगे। अच्छा, तो मार्केटिंग के लिए आपने बताया कि ग्राम पंचायत और जो भी लोग हो प्रधान हो उनसे मिल ले, उसमें आप भी कुछ सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, अगर हमारे नियर बाई होंगे हमसे जहाँ तक सपोर्ट होने वाली होगी हम बिल्कुल करेंगे। अच्छा, तो इसकी आप ट्रेनिंग भी देंगे उनको कि कितने मटेरियल में क्या मिलाना है, क्या उसमें सारी चीज बता दिया जाएगा, कितना परसेंट सीमेंट है, कितना परसेंट आपको स्टोन है, कितना परसेंट बालू है, कितना केमिकल है, कैसे क्या करना है, सारा चीज सब पूरा लिखित में आप बताएंगे। बिल्कुल, कि ये ट्रेनिंग है भाई, ये मिला के आपको ये बनाना है। मिलाना, स्किल लेवर की जरूरत नहीं है। अच्छा,
अनुल लेबर भी सो कर लेंगे, जो जो कि घर में काम करते हैं, राजमिस्त्री का जो काम करते हैं, सीमेंट वालों का जो काम करते हैं, वो आपको काम कर लेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, माने हाँ, पढ़े लिखे की जरूरत, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है इसमें, किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं है। अच्छा। हम आप कोई भी अनोन पर्सन जो बेरोजगार है उस इस काम को कर सकता है, काम कर सकता है। तो सर, जो ये पेवर ब्लॉक की बात कर रहे थे आप मेरे से कि वो मशीन जा रही है, तो आप मुझे कह रहे हैं कि जब जाएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, जरा बताइए। वो सामने देख रहे हैं कि मशीन लोड हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मशीन अभी हम लोग इसका वीडियो बनाए और ये मशीन जा भी रही है। और दूसरी चीज़ है कि इसका मटेरियल जो है, डाई जो है मोल्ड, हाँ, अलग अलग तरीके का डाई होता है। अच्छा अच्छा, इस तरह का डाई होता है। अरे ये भी मॉडल है, और भी मॉडल दिखाता हूँ, एक डाई ये हो गया। अच्छा, मतलब एक ही मशीन से अलग अलग मॉडल बन जाएगा, जैसा मोल्ड लगाएंगे वैसा बनेगा। अरे वाह। दूसरी देख लीजिए, ये इसमें देखिए। अरे वाह, डिजाइन के साथ साथ फूल भी बनेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मोल्ड लगाएंगे वैसा बनेगा। देखना सर, मशीन एक है पर काम अनेक है, आप देख रहे हैं कितना आसानी से। ये भी मॉडल है। वाह। और जो एक मॉडल है 90% जो मार्केट में यूज होता है, वो मॉडल भी नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉमन आपको जिग-जैग देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, दूसरी मोल्ड ये आती है, ये महंगी मोल्ड आती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी बनेगा इसी से। ये डिजाइन भी बनेगा और क्वालिटी भी, मोल्ड की बात करें तो ये आपको इसके इससे लगभग 4 गुना महंगा आती है। अच्छा जी, इससे जो है 4 गुना मोल्ड महंगा आती है। तो आपके व्यूवर जैसा पैसा लगाएंगे वैसा सामान उनको मिलेगा। मतलब आप मशीन, डाई, मोल्ड सब कुछ अवेलेबल करा देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसको सेट वेट लगाने के लिए सर कितनी जगह की जरूरत है? देखिए, इसकी सेट के लिए आपको 10x50 की जगह सफिशियंट है। 10x50। बिल्कुल, क्योंकि हम कस्टमर के साथ साथ डीलर के साथ भी काम करते हैं, हमारे बहुत सारे जगह डीलर भी हैं। अच्छा। वहाँ भी काम करते हैं, तो मशीन मेरे पास रुकता नहीं है, बनता और जाते रहता है। अच्छा। इसी वजह से हर एक वीडियो में जो है कंप्लीट मशीन नहीं दिखा पाते हैं। बिल्कुल। तो सर, इस मशीन की क्या गारंटी वारंटी कुछ है? 1 साल की वारंटी है, कुछ भी होता है 1 साल हम देखेंगे। 1 साल। और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये मशीन लगा लिए हैं और वो मशीन बंद पड़ी है इसलिए कि अच्छी सर्विस नहीं मिल रहा है उनको? मशीन तो गुजरात से ले आए हैं, अहमदाबाद से ले आए हैं, अगर उनकी मशीन चल नहीं रही, उनके लिए क्या? देखिए, अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो बेहिचक ऑल ओवर इंडिया में कहीं से लेके आए हैं, वो ले आए हैं, उनको हम सर्विस दे देंगे। अच्छा। हाँ, यहाँ जो भी मशीन में गड़बड़ी होगा हम मशीन उनको बना देंगे। अगर उनकी मार्केटिंग प्रॉब्लम है, अगर उनको समझ में नहीं आ रही है, तो आए मिले। अच्छा। जहाँ तक होगा हम हेल्प करेंगे। मेरा नाम विप्लव हुआ जी सर, कंपनी का नाम हेलो डिस्पोजेबल, जो कि बिहार मुजफ्फरपुर में है जी सर। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर। अच्छा। और मुजफ्फरपुर जो बस स्टैंड है उससे 2.5 किलोमीटर पर यह कंपनी हेलो डिस्पोजेबल है।